का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त समूह को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। रक्त समूह क्या है, इसकी वंशागति किस प्रकार होती है और रक्त समूह का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर मनुष्य के रक्त को चार भाग में विभाजित, रक्त समूह को चार भाग में विभाजित किया गया है। रक्त समूह ए, बी, ए बी और रक्त समूह ओ। अब प्रश्न उठता है कि रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में आवश्यक पदार्थों का आवागमन करके, आवश्यक पदार्थों का प्रवाह करके जीवन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इस रक्त से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा पचाया भोजन, हार्मोन, खनिज लवण, जल का आवागमन अर्थात परिवहन होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल एस्टिनर तथा विनर ने अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले मकाका रिसर्च नामक बंदर में 1902 ईस्वी में की, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार। ठीक इसी प्रकार मानव प्रजाति में भी आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर चार प्रकार का रक्त समूह खोजा गया है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात करें, अगर हमारे शरीर में रक्त समूह बी है तो हम बी पॉजिटिव हैं और अन्य रक्त समूह के लिए निगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में ओ रक्त समूह है तो वह ओ पॉजिटिव है, अन्य रक्त समूह के लिए वह निगेटिव है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ए बी रक्त समूह है तो वह ए बी रक्त समूह का पॉजिटिव है और अन्य रक्त समूह का निगेटिव है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इस रक्त समूह को देखते हैं, चार प्रकार का है। जैसा कि आप देख रहे हैं रक्त समूह ए बी, ए बी और ओ। एंटीजन और एंटीबॉडी की व्यवस्था आप देख रहे हैं। रक्त समूह ओ में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं है। रक्त समूह बी में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं है। रक्त समूह ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी का रक्त ले सकता है। रक्त समूह ओ सभी को रक्त दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। उपयुक्त रक्त समूह के बीच अर्थात समान रक्त समूह के बीच रक्त का आदान प्रदान किया जा सकता है। रक्त समूह ए बी सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ले सकता है, ओ सभी को रक्त दे सकता है। अगर समान समूह के रक्त के बीच आदान प्रदान किया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगा। रक्त समूह ए बी सभी को रक्त ले सकता है और केवल ए बी को रक्त दे सकता है। इसी प्रकार ओ सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और केवल ओ वाले से रक्त ले सकता है। उपयुक्त रक्त समूह के नहीं चढ़ाने पर रक्त का थक्का जमता है, ब्लड की क्लंपिंग होती है और रोगी की मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। इसलिए रक्त समूह की जांच करके ही चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके जानने के बाद हम यह जानने का प्रयास करें कि रक्त समूह की वंशागति किस प्रकार होती है। माता पिता अथवा जनक के रक्त समूह का
पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतान में पहुंचते रहने की क्रिया को रक्त समूह की वंशागति कहा जाता है। रक्त समूह चार प्रकार का है। उपयुक्त जीन वाले गैमेट का निर्माण होता है। जीन में प्रभावी और अप्रभावी होता है। ए और बी प्रभावी है, आई ओ अप्रभावी। आज जब दोनों मिल जाता है तो सब प्रभावी है। अब हम इसकी वंशागति के पांच स्थिति को पांच केस पर विचार करें। यदि रक्त समूह ए वाले मेल का विवाह रक्त समूह बी से कराया जाएगा तब 25% संतान रक्त समूह ए वाली, 25% संतान रक्त समूह बी वाली, 25% संतान रक्त समूह ए बी वाली और 25% संतान रक्त समूह ओ वाली उत्पन्न होती। मतलब चारों रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न होगी। दूसरी स्थिति में अगर रक्त समूह पुरुष का ए है, स्त्री का बी है, उसका विवाह कराया जाए तो उसकी संतानें निम्न प्रकार से उत्पन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उत्पन्न होने वाली संतानों में 50% रक्त समूह ए का है, 25% बी का, 25% ए बी का है। अब हम तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। यदि पुरुष का रक्त समूह बी है, स्त्री का रक्त समूह बी है तो उत्पन्न होने वाली संतानों की स्थिति पर ध्यान दें। जैसा कि इस चार्ट में दिया गया है, ये जो संतान है 75% बी रक्त समूह वाली संतान है, 25% ओ। और चौथी स्थिति पर ध्यान दें, ए बी पुरुष का विवाह रक्त समूह ओ वाले स्त्री से कराया जाता है। तब हम क्या रिजल्ट देखते हैं? रिजल्ट यह देखते हैं कि यह जो उत्पन्न होने वाली संतान है 50% रक्त समूह ए, 25% रक्त समूह बी और 25% ओ है। पांचवी और अंतिम स्थिति को देखते हैं। अगर पुरुष रक्त समूह ए बी वाला है, स्त्री ए बी वाला, तब उत्पन्न होने वाली संतान की यथा स्थिति किस प्रकार है? जैसा कि आप देख रहे हैं 50% संतान जो उत्पन्न होती रक्त समूह ए बी वाले, 25% ए, 25% बी वाले। अब हम देखते हैं कि रक्त समूह का क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। रक्त के चढ़ाने में रक्त समूह की जानकारी होना आवश्यक है। उपयुक्त रक्त समूह नहीं होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। अस्पताल में बच्चों के अदला बदली संबंधी विवाद को सुलझाने में रक्त समूह सहायक है। माता पिता अथवा निकटतम संबंधियों की पहचान में रक्त समूह सहायक है। कोर्ट में, न्यायालय में पैतृक संपत्ति के विवाद को सुलझाने में रक्त समूह सहायक है। अपराध विज्ञान में अपराधियों की सही पहचान में रक्त समूह सहायक है। और व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान में भी रक्त समूह